सबसे पहले अंडे लेंगे 3 अदद, किसके? मुर्गी के? मुर्गी के अंडे लेंगे, ठीक है? इधर ही डाल दो। ये तो मेरी सास 3 दिन का खाना एक अगठा बनाती है, ये देखे। पाउडर डालेंगे हस्बे जायका। चलो तुम्हें हस्बे जायका जगह जगह से ये पहले जैसे डाली थी ना भाभी तो करें पानी आप ये क्या डाल रही हो? ये डाल रही हूँ क्या कहते हैं वहाँ बेकिंग पाउडर पाउडर कितना हस्बे जायका हस्बैंड जायका हर चीज नहीं होती वो नमक होता है अब लो ये डाल दिया। ये क्या था वैसे? बेकिंग पाउडर और ना ओके तो बेकिंग पाउडर ही वैसे डालते हैं पर ना डालते हैं सोडा भी सोडा से तो क्या हस्बैंड एक चुटकी से लूट जो मेरी सास की औलाद है ना ये बड़ी आयशा पकड़ी हूँ करके
हम डालेंगे हंसी जायका। ये कितना हंसी जायका थोड़ा डाल दे, ये दो बस, ये काफी है। नहीं भाभी, मान भी को बहुत केक के सारे खाने में बताती हूँ। ये दो हो गया, इसे हल्का सा मिक्स करेंगे, बिल्कुल हस्बैंड जायका मिक्स करेंगे। अरे ये चीज बहुत ज्यादा है, उसमें तो दो दो चम्मच आएंगे। किसमें? तो जो बच जाएगा गिलास में डाल दूंगी। साइडों से मिक्स नहीं हुआ ये। अब वो मैं कह रही हूँ जरा सा और डालने, मुझे काम लग रहा है। इसके बाद वो मैदा करना, मैदा और इसे हमने डाला, बस कितना डाला? हाफ ये कितना है? 1 कप। अच्छा अब इसे हम इसे कर दो मामा, इसे हम वो बोलेंगे डेंगू लगी हुई होती है पुट्टे हाथ से। ये लेफ्टी है अभी, मेरी वो ना डाल, मैं तो यही ओरिजिनल डालूंगी, कोई वॉइस ओवर नहीं करूंगी। देख लेना ये हस्बैंड जायका मिक्स करने से बहुत ज्यादा, ये हमारी नौकरानी है। वही चाय लोग इधर मिक्स करते थे, ये हम पैटर्न लोग हैं ना। मैं चूर चूर के रोटी कुट कुट के ऐसे ही मार्टर मार्टर बनते हकीकत ये बड़ी बड़ी शन कोट क्या लेती है, रोटी कुट कुट के खाती है। ओए अल्लाह, में मल्टीपल स्नैप्स फुल हो गई हैं। थोड़ा सा दूध ला के दो, दूध के कप में छोटा तो साफ ही करना है। हो जाएगा साफ। मैं इसे ठीक पर थोड़ा सा डाल देती हूँ। मामा इधर आओ, चखो जरा। चिंटी गाय का दूध ले लिया यार, इसमें डालते हैं यार। बस खैर है ना, देखते हैं ना। ये क्यों डाल रही है? ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है ना, इस वजह से डाल रही हूँ। ये गाढ़ा क्यों हो गया? क्योंकि हमने हर एक चीज़ ऐसे बिजाई कर डाली। नहीं वैसे उस तरह भी ठीक है, पर इस तरह कर लो तो थोड़ा जायका अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरे पास तैयार हो गया। अब हमने मम्मी जी, अगर थाली में ऑयल लगा के रख दूँ? हाँ रख लो, वैसे पेपर कहीं नहीं पड़ा, वो खत्म हो गया। औरतें तो नहीं थे पहले हमें बनाने ना, तो फिर हमने किया। अभी सब कैसे होते हैं? सभी बेटियों को काम सिखा दो। यू कर ये था हमारे पास, वो टूट गया, नहीं है वो लाना, टूटा हुआ भी फेंक दिया। इसे थोड़ा सा डालो, इसे नहीं होगा। ये थोड़ा सा मैं ये लो बता दूं।
मैं मम्मा को एक दफा सेंटर भेज दिया था ना, उसके बाद से फेरिंग बहुत छोटे छोटे नहीं होंगे, निकू निकू नहीं ना, ये कप केक नहीं होते जैसे, मैं दो खाऊंगी तो और भी बन जाएंगे, ये तो मटेरियल ज्यादा है। बाकी जो बचता है वो ग्लासों में डाल के उसी में, मेरा भी ये दिल चाह रहा है वो ग्लास में डाल के, उसमें टाइम लगेगा। वो देखी जो गरम करेगी उसके ऊपर ये स्टैंड के ऊपर ये रखना। ऐसा करना साइड पे बिल्कुल ना लगे। ये थोड़ा नहीं है, ये वो होगा, ये फूल के फिर बाहर निकल आएंगे ना, इस वजह से मैं बताऊं। देख के चढ़ाऊं? चढ़ा दो। मैं ये कह रही हूँ जो बचन है ना साइडों पे तो बहुत जगह है, साथ ही वो रख देना गिलासों में भी डाल के एक दफा ही सारा। तो इसका सही केक नहीं बन सकता, बनेगा ना तो वो डाल दो ना, वो नीचे वो पर वो फिर वो अभी छोटे छोटे मजे पे लगते हैं ना गिलास वाले। सही है, नहीं तो दूसरा मैं अपनी कुक को तो दिखाऊं ना फेरी, वैसे मैं ये डालूंगी ऐसे ही। अच्छा जूते उतार दो, वो अभी भी तीखी बुरी लग रही, मेरी शलवार अभी तीखी है, मैं भी समझ नहीं आ रही। रखो पहले इसको रखो, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो इधर हम बना रहे थे केक, मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे, उनका दिल हो रहा था, फेरी को कह रहे थे, फेरी मेरी छोटी नंद है तो वो वही बेकिंग वगैरह करती है, तो उसके साथ मैं भी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत ना, तो बार बार कह रहे थे मुझे केक बना के दो और वो टाल रही थी, लेकिन आज फाइनली हमने बना लिया। तो मैंने कोई वॉइस ओवर नहीं किया क्योंकि तो मतलब इनके साथ जब बेकिंग करती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है और हम बहुत इन्जॉय करके करते हैं, तो आई थॉट कि मैं ऐसे ही ये अपलोड करूँगी। तो बस जी यहाँ तक थी जी आज की मेरी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।